बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स विद आमिर सुहेल। आज का जो शो है, आई एम डूइंग इट विद अ हैवी हार्ट कि एक दफा फिर हमारे एफसी के भाई जो हैं वो शहीद हुए और उसके बाद काफी लोग जो हैं वो जख्मी हुए। दुआ है कि जो लोग शहीद हुए अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे और जो लोग जख्मी हुए उनको अल्लाह ताला जल्दी से सेहत याबी दे और इस पाकिस्तान के ऊपर भी रहम करे अल्लाह ताला। आज मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है लेजेंडरी लेग स्पिनर, वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर वर्ल्ड हैज सीन, मुश्ताक अहमद। इससे ज्यादा मुझे उनकी तारीफ करवाने की जरूरत नहीं है बिकॉज हाउस होल्ड नेम है पूरी दुनिया में। इन्होंने एज ए क्रिकेटर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन की, पाकिस्तान के वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर थे, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज थी, फील्डिंग बहुत अच्छी की थी उन्होंने इस वर्ल्ड कप में। उसके अलावा आफ्टर क्रिकेट वन ऑफ वेरी रिस्पेक्टेड कोचेज अराउंड द वर्ल्ड, इंग्लैंड टीम के साथ काफी अरसे से मुंसलिक हैं और जो आपने सर्च देखी इंग्लैंड की क्रिकेट में उनमें मुशी का भी बहुत बड़ा हाथ था। मुशी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और ये बताइए कि पाकिस्तान का जो आपने सिस्टम है वो देखा, लेकिन आप काउंटी क्रिकेट के साथ काफी ज्यादा मुंसलिक रहे, आपने ससेक्स को टाइटल भी जितवाए। काउंटी क्रिकेट और हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें आपके ख्याल में क्या फर्क है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। माय ऑनर, आपका आपके साथ मैं क्रिकेट खेला हूं तो एक मिलने का बहाना भी अच्छा मिल गया। एंड व्यूअर्स के लिए भी आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने क्रिकेट के बारे में डिस्कस करें। तो आई थिंक जो आपका क्वेश्चन है कि जो क्रिकेट, मुझे काउंटी क्रिकेट से बड़ा फायदा हुआ। काउंटी क्रिकेट एक ऐसा स्टेज है एक प्लेयर्स के लिए, एशियन क्रिकेटर्स के लिए, कि आई बिलीव के जब आप वहां पे जाते हो तो आपको एनवायरमेंट मुश्किल होती है आपके लिए। अगर आप बैट्समैन हो, आपने तो खेला हुआ बहुत ज्यादा इंग्लैंड में, आपको पता है कि वहां पे स्विंग होता है एज ए बैट्समैन, सीम होता है, तो आपको कंडीशन से स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आप बड़ा मोटिवेट करते हो अपने आप को, बड़े क्या कहते हैं अनदर वर्ड्स के, आपको एफर्ट करनी पड़ती है परफॉर्मेंस करने, स्पेशली जिस तरह का वेदर है, जिसका वेदर है। और हमारा तो इसलिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अप्रैल में जब मैं जाया करता था वहां पे, तो एक लेग स्पिनर के लिए बॉल को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता था। तो आई यूज टू स्ट्रगल विद माई ग्रिप ऑल्सो। बट क्या हुआ कि वो जब उस पहले साल, दो साल, तीन साल काउंटी क्रिकेट खेला, आपने देखा होगा कि जैसे ही मैं वसीम और वकार के साथ जैसे ही मैं क्रिकेट खेलता था, तो हमें इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी मुझे और आकिब को विकेट लेने की। मगर उसके बावजूद क्या होता था कि जैसे ही मैं दो तीन साल काउंटी क्रिकेट खेला, तो मुझे एक बिलीव आ गया कि इफ आई वॉन्ट टू स्टे इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आई हैव टू परफॉर्म। और उसमें भी सेल्फ बिलीव आ गया। जो सबसे आपका क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था ना, जो मुझे फायदा किया हुआ, मेरी अपनी बॉलिंग निखर गई, मुझे पता चल गया कि मैंने क्या करना है, मैंने इस पिच पे कैसी बॉलिंग करनी है, कितनी पेस से करनी है, मेरी वेरिएशन क्या होगी। अगर मैं आपके खिलाफ खेल रहा हूं तो मुझे आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता होगा। तो ये सारा जो है ये मुझे काउंटी स्टेज से बहुत फायदा हासिल हुआ इसका। और शुरू में आप काफी गूगलियां और फ्लिपर भी किया करते थे, वो एंड में बड़ा उसकी जो यूसेज थी बड़ी प्रिसाइज हो गई थी। एब्सोल्यूट। देन यू न्यू कि मैंने कब गूगली करनी है, किस तरह बैट्समैन को सेटअप करना है पहले लेग ब्रेक के ऊपर, फिर इसको गूगली करके किस तरह आउट करना। एब्सोल्यूट। प्लान्स आ जाते हैं, जैसे आपने कहा ना स्ट्रक्चर, जैसे सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है, आप प्लेयर्स भी एक अपना स्ट्रक्चर पैदा करते हैं। जैसे आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये करता था कि जैसे आपको गूगली नहीं करनी, आपको गूगली रीड करते हो आप मेरी, तो आई स्टे पेशेंस। तो मैं ये कोशिश करता था कि मैं लंबी गेम खेलूं। तो उसके लिए ये सारी जो डेवलपमेंट थी मुझे काउंटी क्रिकेट में बड़ी असर। अब मुझे ये बताएं कि ओवरसीज को तो ऑब्वियसली ऑफर करते हैं वो जो इंटरनेशनली परफॉर्म कर रहे होते हैं या जिन लोगों की रेपुटेशन होती है, अगर अपने मुल्क की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हैं। लेकिन एक जो लोकल है वहां पे, उसका क्या, किस तरह का क्राइटेरिया कि वो क्या क्या करके जो फिर जाके काउंटी लेवल के ऊपर उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है? वेरी गुड क्वेश्चन, आई बिलीव दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। स्कूल लेवल। ओके। स्कूल से वो स्कूल की उनकी ऐसी स्ट्रेंथ है, वो स्कूल से बच्चे को पकड़ते हैं। स्कूल से जैसे ही आप देखते हैं कि जी स्कूल में बच्चा एक अच्छा खेलता है, क्लब वाले ले लेते हैं, क्लब वाले पकड़ते हैं उसको, क्लब से फौरन फिर वो आ जाती है उनकी थर्ड डिवीजन क्रिकेट, काउंटी की थर्ड डिवीजन, फिर आ जाती है आपके अंडर 14, अंडर 16, फिर थर्ड जो आपको मैंने कह रहा हूं। ये पूरा एक प्रोसेस आता है कि आपको वो लड़कों को पता होता है कि ये मैट प्रायर है जो इस वक्त इंग्लैंड का विकेट कीपर है, तो ये इसने मेरे साथ ही शुरू किया था ससेक्स में 2003 में, ये इसका पहला सेकंड सीजन था। तो ये मुझे बताता था कि मुशी, व्हेन आई यूज टू प्ले इन स्कूल क्रिकेट, द कोचेज यूज टू टेल मी कि यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस।
तो कहता है मुझे मुझे जंप इन करने के लिए मुझे छोटे छोटे गोल्स होते थे कि मैं अगर स्कूल में परफॉर्मेंस करूंगा तो मुझे क्लब में खिलाएंगे, क्लब में खेलूंगा तो फिर मुझे आगे खिला देंगे, जैसे काउंटी की फोर्थ टीम, माइनर काउंटीज उससे भी छोटी। तो ये एक पूरा सिस्टम था, लीग की भी टीम बनती है उनके। हाँ जी, लीग की एक टीम बन के दूसरी लीग के साथ वो जो इनकी क्लब क्रिकेट होती है, बिल्कुल वो क्लब क्रिकेट में जैसे हमारे प्रोफेशनल लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जाके उधर एज ओवरसीज खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप वो सर्कल से निकलता प्लेयर्स को काउंटीज वालों को पता चल जाता है कि ही इसने परफॉर्मेंस इतनी अच्छी कर ली है कि आई थिंक वी शुड हैव हिम नाउ, अपने स्टाफ में रखते हैं और फिर एक दो साल उसको कोचिंग और रगड़ा लगा के। स्काउटिंग का भी तो सिस्टम है वहां पे, काउंटीज अपने स्काउट्स भेजती है, इसी भी अपने स्काउट्स भेजते हैं कि अगर कोई टैलेंट है तो उसको हंट करके तो उसको सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया जाए। एब्सोल्युटली है, बिल्कुल है, उनका पूरा सिस्टम है। एक ये सिस्टम की वजह से अगर आप देखें कि सिस्टम की वजह से उनको प्रॉब्लम कभी नहीं होती। 18 काउंटीज हैं और आपने देखा होगा कि अब उनकी क्रिकेट तगड़ी से तगड़ी होती जा रही है। द रीजन इज कि बिकॉज वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं ग्रास रूट पे, ग्रास रूट पे उनकी सारी तवज्जो, ईसीबी का एक बजट है पूरा जो ग्रास रूट पे जाता है। काउंटी के कोचेस को वो लंबा पैसा देते हैं, ईसीबी वाले देते हैं, क्रिकेट बोर्ड ईसीबी जो ईसीबी वाले हैं, मुझे अभी पता चला है कि अगर इफ यू आर अ वेरी गुड कोच दे विल पे यू £40,000 एक्स्ट्रा फॉर दैट काउंटी बिकॉज यू हैव अ गुड टीचर। सो यू नो लाइक £40,000 एक मायने रखवाता है एक बंदे के लिए, और वो काउंटी वालों को देते हैं, कोच को नहीं देते, कि यू साइंड अ गुड कोच so we pay you more. So because क्या है कि आपने अच्छा एक स्टाद रख लिया है, कि अच्छा स्टाद रखने से ये होगा कि हमें इंग्लैंड के प्लेयर्स अच्छे मिलेंगे यहाँ से। अब मुझे ये बताइए, मैंने ये सुना कि जो स्काउट्स हैं उन वो पहले वॉलंटियरली काम करते हैं, उसके बाद अगर वो परफॉर्म करते हैं, अगर टैलेंट अच्छा हंट करके लेके आते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, तो फिर उनको सिस्टम में वो लेके आते हैं जहां पर उनको तनख्वाह मिलनी शुरू होती है। ऐसी ही बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। बहुत ज्यादा हमारे एक्स क्रिकेटर जो इंग्लैंड के एक्स क्रिकेटर्स हैं, जॉन एम्बरी, इवन अभी मैं रिसेंटली आपको एक किस्सा सुनाता हूं कि एक पाकिस्तानी कुछ दोस्त थे मुझे मिले, मैं टीम के साथ, इंग्लैंड की टीम के साथ, दे कॉल्ड मी, हमारे पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनके कुछ जानने वाले थे, उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने उस लड़के को बुलाया, वेरी टैलेंटेड लेफ्ट आर्म स्पिनर, वेरी वेरी टैलेंटेड, टॉल, 17 ईयर्स ओल्ड, मोंटी पेनासार के साथ मैं लॉर्ड्स में प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैंने उसको बुला लिया, मैंने कहा मोंटी से भी पूछ लेना कुछ, तो उसको देखा तो मुझे बड़ा वो लड़का में टैलेंट नजर आया, इंप्रेसिव लगा, तो मैंने कहा आई थॉट कि आई शुड बैक हिम अप, तो मैंने अपने इंग्लैंड की एकेडमी में फोन किया, पीटर सच है उनका स्पिन बॉलिंग कोच, आसच सची लुक प्लीज इसको देखो, उसने देखा सारा। अब जो जॉन एम्बरी है, जॉन एम्बरी आपको पता है खेला हुआ इंग्लैंड की तरफ, उसने आई बिलीव एट वन टाइम ही वाज द सिलेक्टर एज वेल, एब्सोल्युटली, और वो उसने क्या किया, उसने जॉन एम्बरी ने उसको देखा, सिलेक्ट किया, एंड नाउ ही इज टेकिंग हिम टू इंडिया। वो इमरान लड़का है, पाकिस्तानी है, मगर है ब्रिटिश पाकिस्तानी, मगर उसने उसको सिलेक्ट किया एंड ही इज टेकिंग हिम टू इन इंडिया, और वहां पे उसका 4 हफ्ते की ट्रेनिंग खुद जाके उसको करवाएगा, और जब अगर वो लड़का अच्छा खेल जाता है तो ईसीबी वाले डेफिनेटली जॉन एम्बरी को अपनी सर्विसेज के लिए बुलाएंगे। एक और वहां पे एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, चांस टू शाइन, जो यंगस्टर्स के लिए उन्होंने किया था कि इफ यू आर गुड क्रिकेटर्स कम इन टू द सिस्टम, उससे कितना फायदा हुआ इंग्लिश क्रिकेट को? अभी ये उनका प्रोसेस जो है चल रहा है, अभी मेरी रिसेंटली जब मैं भी गया हुआ था, पिछले भी कोई 2-3-4 हफ्ते पहले गया हुआ था, तो दे सेड के जी दे आर गोइंग टू डू मोर। नेचुरली फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, एक कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो डिसपॉइंटेड हो जाते हैं, सिलेक्ट नहीं होते, टेम्परामेंट नहीं होता, पेशेंस नहीं होता, टैलेंट होता है, तो वो क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं। उस गिव अप करने के लिए अब इन्होंने ये किया है कि जैसे आपने कहा है कि वो अपने भेजते हैं अपने कोचेस को, ईसीबी के कोचेस को भेजते हैं अराउंड द काउंटीज, तो वो कैंप लगाने लगे हैं, मतलब ट्रायल्स जैसे हमारे सिस्टम है यहाँ पे अंडर 16 अंडर 19 का, तो उसमें मुझे भी उन्होंने कहा था कि प्लीज मुशी वी वॉन्ट टू टेक योर सर्विसेज टू द एशियन पीपल, तो आप जाके उधर 2-3 कैंप्स लगाओ, जिस तरह क्रोली है, मैनचेस्टर है, या ब्रेडफोर्ड है, यहां पे आप जाके लगाओगे, तो इफ वी कैन इवन गेट 2 एशियन ड्यूसबरी शेफील्ड, बहुत हमारे तो तकरीबन बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट तो हमारे सारा उधर न्यूकासल, तो आई थिंक ये सिस्टम चल पड़ा हुआ है और इससे बड़ा, हाँ उससे बड़ा फर्क पड़ा हुआ है। और ये जो उन्होंने अब सारी जो अपनी क्लब्स हैं ऑल अराउंड इंग्लैंड, जो उन्होंने एक वेबसाइट क्रिएट की है सेंट्रल ईसीबी ने, कि कोई भी अगर क्वेरी जो क्रिकेट खेलना चाहता है,
कि मैं इस इलाके में रहता हूं, तो ईसीबी उसको डायरेक्ट करती है कि आप फलां क्लब जो है वो आप इस इलाके में रहते हो, तो ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास, इन दो क्लब्स में आप जाके खेल सकते हो। तो उससे ये है कि आप समझते हैं कि नंबर ऑफ प्लेयर्स जो है इंग्लिश क्रिकेट में बढ़ा है इससे, इस प्रोग्राम से? डेफिनेटली डेफिनेटली बढ़ा। अगर आपने देखें ये जो सिस्टम डिवेल्प हुआ था थोड़ा सा नॉर्थ साइड पे, धर्म की टीम पिछले 5 सालों से 3 दफा टाइटल जीत चुकी है, एंड रिमेम्बर सोर्सेज बहुत कम थे उनके पास। हुआ मुझे याद है जब हम लोग पहला डरम के खिलाफ काउंटी का मैच खेले थे जिसमें डीन जॉन्स उनके प्रो थे, उन्होंने इयान बोथम जैसे प्लेयर और बेसिकली उन प्लेयर्स की सर्विसेज हायर की थी जो बड़े नाम थे लेकिन टेल एंड ऑफ देयर करियर थे, लेकिन अपने इलाके में वो इनको रोल मॉडल्स बना के लेके आए कि क्रिकेट को टेकअप करेंगे लोग। वो उन्होंने ठीक है उस वक्त शेल्फ लाइफ खत्म हुई हुई थी, लेकिन उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की वजह से डरम जो है, लेकिन 92 में हम लोग जब उनके खिलाफ काउंटी मैच खेल रहे थे, इट वॉज नॉट अ स्ट्रांग टीम। उनकी ग्राउंड भी जो चेस्टली स्ट्रीट छोटी ग्राउंड थी, बिल्कुल ठीक, उसमें इस तरह मिस हिट छक्का हो जाती थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से उन्होंने जो है वो अपनी क्रिकेट जो है वो कंट्रोल की, प्लेयरों को फैसिलिटीज प्रोवाइड की, 2 दफा काउंटी चैंपियनशिप जीते हैं, और अब आप देखें कि डरम से काफी प्लेयर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंग्लैंड को। बेन स्टोक जो एशेज में आपने देखा है के मासन हार्मसन कॉलिन वुड स्टॉक बॉथविक और 2-3 और प्लेयर्स आए हैं अभी उसके। बेन स्टोक के बारे में मार्क टेलर के अल्फाज थे, मार्क टेलर ने कहा एक्साइटिंग क्रिकेटर, वेरी एक्साइटिंग, ही सेड के जो उसने पर्थ में 100 किया ना, गोरे इंग्लैंड टीम हार तो गई मगर उसने कहा कि जी मैंने ऐसा 100 करते हुए नहीं देखा किसी को अभी तक, और पॉजिटिव बड़ा तगड़ा खेला वो, बॉलर भी वो कम नहीं है, 90 एंड ही इज स्ट्रॉन्ग गाय, कंप्लीट ऑलराउंडर, फिटनेस ही हैज टू इंप्रूव, क्योंकि इन फ्यूचर जो रोल नजर आ रहा है उनका वो काफी तगड़ा रोल नजर आ रहा है, जिस तरह जैक कैलिस जो है वो साउथ अफ्रीका के लिए करते रहे तो उनका भी रोल होगा। बिल्कुल, ये बेन स्टोक का नाम आपने नहीं सुना था, ये कहां की पैदावार है? इज ही उनकी जो अकेडमी है, ये जो उनका सिस्टम है, किस चीज की पैदावार है? क्योंकि जिस तरह आपने अभी लेफ्ट आर्म स्पिनर के बारे में बात की तो वो तो एक्सेप्शनल एक टैलेंट है जिसको आपने हेल्प किया कि आप मेन स्ट्रीम पर लेके आए, लेकिन बेन स्टोक की क्या स्टोरी है? पूरा सिस्टम के थ्रू आया, पूरा सिस्टम अकेडमी के थ्रू आया, क्लब क्रिकेट के थ्रू आया, मुझे उसने पूरी मैंने उससे इन्फॉर्मेशन ली है। ये आप क्या करते हैं कि आप देखें कि ये मॉनिटर करते हैं प्लेयर्स के ऊपर, ये इनको पता होता है, ये विजन की बात है। स्ट्रक्चर में होता है कि आपने 15-20 लड़के लेने होते हैं अंडर 19 अंडर 16 क्लब क्रिकेट के, उसमें से 2-3 रोल मॉडल्स को आपने 2-3 लड़कों को ऐसे पकड़ के बनाना होता है कि ये इंग्लैंड को सर्व कर ले। बेन स्टोक इज वन ऑफ देम। 3 साल पहले मुझे एंडी फ्लावर ने ये बात की थी, वी आर सिटिंग एट द ओवल, कहता है मुशी हैव यू सीन बेन स्टोक, आई सेड नो, ही सेड प्लीज आई वॉन्ट टू शो हिम, यू नो लाइक जो 2020 अगला आएगा, 3 साल पहले की बात बता रहा हूं, उसको मैंने प्रैक्टिस के लिए बुलाया तो यू हैव लुक, तो मैंने उसको देखा तो मुझे इतना इंस्पायर नहीं किया, तगड़ा बहुत था, स्ट्रांग था, फिजिकली बहुत स्ट्रांग था, तो मैंने एंडी टू अर्ली फॉर मी टू से दैट, एक दिन में मैं बंदा को नहीं बता सकता, फॉर मी डजंट लुक स्पेशल, कहता है टेक्निकली इसमें थोड़े से फॉल्ट्स हैं, हम इसको वर्कआउट कर रहे हैं, वी नॉट गोना एक्सपोज हिम सो क्विकली, तो क्या करेंगे थोड़ा सा लेट इसको छोड़ेंगे। आप देख लें, आपने जैसे कहा कि पीपल आर रेटिंग हिम वन ऑफ द can be one of the good all rounder in cricket, he can become one of the greats, just like a talent hai, absolutely a fielder bhi koi itne mahir fielder nahi hai, outstanding, he's a well rounded cricketer, absolutely aur isi sari jo aapne baat ki hai na ye aati hai system se aur vision se, aur ye pura jo vision aur system hai ye inhone create kiya hua hai, uski wajah se ye inka jo circle chal raha hai na, inko players ki isliye problem nahi hoti hai, dekhe na peter kp ko inhone nikal diya। अब ये प्लेयर्स को अगर वो देखते हैं कि प्लेयर्स मेरे हमारे लिए नहीं सूटेबल या ही इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट और सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, तो देयर इज नो बिगर देन अ गेम। हमारा ये सबसे बड़ा अलमिया ये है, मुझे जो लगता है कि हम सेट एग्जाम्पल सेट नहीं करते, हम एग्जाम्पल नहीं सेट करते। पीटरसन को उन्होंने 33 साल का, अब उसकी पीक पे है वो, उसको निकाल के उन्होंने कह दिया कि लुक वी आर ट्रस्टिंग अ यंगस्टर एंड वी नो कि ही विल गिव अस 100% एंड ही विल नेवर डिस्ट्रॉय आवर एनवायरमेंट एंड दे बिलीव ऑन एनवायरमेंट। और फिर एक रोल मॉडल को जब आप ऐसा बड़े प्लेयर को एक साइड पे लगाते हो और उसको बताते हो कि योर ईगो इज नॉट बिगर देन योर गेम, सो वी सॉरी यू नो लाइक यू डन अ ग्रेट जॉब फॉर अस बट लेट मी टेल यू वी हैव टू सेट द एग्जाम्पल फॉर द पीपल। क्या हुआ, 10 दफा कोई यंगस्टर सोचेगा कोई गलती करते हुए अपने मुल्क के लिए। मुझे ये बताया आपने कहा कि डिस्ट्रॉय कर रहे थे वो ड्रेसिंग रूम का माहौल,
अब मैं आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या आप उस एशेज टूर के ऊपर थे जहां पे ये सारी उनके खिलाफ जो शिकायत आई? आप मुझे ये बताएं कि क्या उनका क्रिकेटिंग डिसिप्लिन जो था वो वीक हो गया हुआ था, जिसकी वजह से दूसरे डिसिप्लिन के भी इश्यूज आ रहे थे, कि वो क्रिकेटिंग डिसिप्लिन वहीं का वहीं था? क्रिकेटिंग, वेरी गुड क्वेश्चन. क्रिकेटिंग क्वेश्चन, जो क्रिकेटिंग डिसिप्लिन था वो खराब नहीं हुआ था. ओके. वो खराब नहीं हुआ था. अब बड़ी मजेदारी बात है ये मेरे लिए स्ट्रेंज है, क्योंकि अगर आपका क्रिकेटिंग डिसिप्लिन तगड़ा है तो फिर आपके दूसरे डिसिप्लिन जो है वो इन प्लेस रहेंगे, लेकिन अगर आपका क्रिकेटिंग डिसिप्लिन भी इन प्लेस है फिर आप जो है दूसरे तरह का डिसिप्लिन जो है उसको वॉयलेट कर रहे हैं, तो वो बात कुछ समझ नहीं आती. उसकी जो उसको मैं बेस्ट तरीके से एग्जाम्पल कोट कर सकता हूँ, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस वर्क एथिक्स थे ना केपी के एशिस में, केपी के थे. मतलब कि अगर जॉनसन तेज बॉलिंग कर रहा है तो ही विल बी द फर्स्ट पर्सन नेट में जाके वो बाउंसर्स की प्रैक्टिस करता था, मतलब अपने आप को अंडर प्रेशर करके सब कुछ करता था. अच्छा, जहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जो मुझे लगा जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई जब मैं वहां पे था, जो मैं देखता था, व्हेन ही यूज टू फिनिश हिज वर्क एथिक्स ही यूज टू डिस्ट्रॉय द एनवायरमेंट. हाउ? डॉक्टर्स के पास जाके कहता था कि आई थिंक आई शुडंट प्ले दिस गेम, वो ही शुडंट प्ले दैट गेम, वो ही शुडंट प्ले दोज पीपल. सो यू ही यूज टू स्प्रेड दैट वर्ड्स जो मैनेजमेंट के ना, और मैनेजमेंट आपको पता होता है एक लफ्ज भी आप निकालते हो तो वो क्या करते थे, वो आगे से आगे से आगे से हेड कोच तक जब बात पहुंचती थी तो पीटरसन ने तीन चार, मेरा ख्याल आई थिंक यंगस्टर्स को ये भी कहा था, आई बिलीव के ये भी कहा था कि आई थिंक इसको नहीं खिलाना चाहिए. अब एक यू नॉट अ कैप्टन, यू नॉट अ कोच, सो यू शुडंट डिस्कस दोज थिंग्स फ्रंट ऑफ योर यंगस्टर्स. एंड ही यूज टू टेल पीपल के जी ये होना चाहिए. आई थिंक दोज आर द थिंग्स व्हाट एक्चुअली उनको अच्छी नहीं लगी उनकी बात. लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर वो ये कर रहे थे तो क्या उनको सुना नहीं जा रहा था? सीनियर प्लेयर तो हैं. हाँ, है इंग्लिश क्रिकेट की बैटिंग लाइन आपको काफी देर से कैरी कर रहे हैं, तो क्या उनको सुना नहीं जा रहा था कि उनको ये बाहर निकल के बातें करनी शुरू करनी पड़ रही थी? आई थिंक कम्युनिकेशन गैप था. आई एग्री विद यू कम्युनिकेशन गैप था. अगर कम्युनिकेशन गैप ना होता तो आई बिलीव मे बी वो बात ना करता. इसका मतलब नहीं सुनी जा रही थी. आई एग्री विद यू, क्योंकि अगर एक सीनियर प्लेयर होकर वो अगर पीछे से जाके ऐसी बातें करता है, इट मीन्स यू नॉट गिविंग हिम इनफ टाइम. तो इसका मतलब है कि हार्ड डन हुआ है केविन पीटरसन. उनके अभी भी यूटिलिटी थी. हाँ, पर आराम से उनको अगर बैठ के समझा लेते कि भी ये चीजें हम टॉलरेट नहीं करेंगे इन फ्यूचर, तो आप अच्छा खासा प्लेयर उसको लूज कर रहे हैं. आई थिंक जो खराबी पैदा हो चुकी थी ना, वो साउथ अफ्रीका सीरीज में लास्ट ईयर हो चुकी थी. वो जो मैसेजेस गए हैं ना, वो जो स्ट्रॉस के बारे में और जो केपी ने मेरा ख्याल आई थिंक मैसेजेस किए थे साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को, उस पे थोड़ा सा वो आई थिंक दैट थिंग स्टिल देयर, बैड टेस्ट डेवलप हो गया था. वो आई थिंक दैट जो इंग्रेडिएंट था ना वो तैयार हो चुका हुआ था. वो आई थिंक वो जस्ट स्पार्क की जरूरत थी, कि आग लगने की जरूरत थी, तो खत्म हो जाए. अच्छा, डू यू थिंक कि आपके पास रिप्लेसमेंट है इंग्लैंड क्रिकेट के पास के केपी को रिप्लेस कर जाए? नॉट येट. आई बिलीव दे नीड सम टाइम. जो रूट अच्छा क्रिकेटर है, अभी आपने एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन देखा होगा गैरी बैलेंस, बिल्कुल सॉलिड है, तगड़ा है. आई थिंक नीड्स टाइम. बड़ा ऑर्गेनाइज प्लेयर है. जैसे सलमान बट एंड में अच्छा हो गया हुआ था ना, एंड में उसको अपनी गेम का पता चल गया था. ये वहां पे थोड़ा सा उनकी ये थोड़ी सी खुशकिस्मती होती है उनकी, कि वो शुरू से उनको अपनी गेम का पता होता है, स्ट्रक्चर होता है उनका. वो गैरी ने आते ही 80 किए ऑस्ट्रेलिया में वन डेज में, तो आई थिंक उसके जो उसने आखिरी टेस्ट मैच में स्कोर भी किया गैरी ने एशिज में, तो उससे पता चलता है कि आई थिंक गैरी जो रूट आई थिंक दे विल बी गुड क्रिकेटर्स फॉर इंग्लैंड. अच्छा, मुझे ये बताएं, जो आपने बात की है बड़ी इंटरेस्टिंग है, कि ऑर्गेनाइज्ड है, ही नोज अबाउट हिज गेम. पाकिस्तानी प्लेयरों को क्यों नहीं पता होता कि उनकी लिमिटेशन क्या है और अपने आप को कहां तक स्ट्रेच कर सकते हैं, इसकी क्या वजह है? व्हाई डोंट दे नो देयर अबाउट देयर गेम एट अ रियली अर्ली स्टेज? क्या हमारा सिस्टम उनको चैलेंज नहीं करता? क्या हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट उनको चैलेंज नहीं करती, जिसकी वजह से उनको टाइम लगता है टू डेवलप इन टू अ फाइन क्रिकेटर? एब्सोल्युटली, आई थिंक स्ट्रक्चर की बात है. डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर मैं ये बात नहीं करना चाह रहा है, जो हम क्रिकेट खेले ना 85 से लेके 90s के जो बाद क्रिकेट हुई है, उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट में मुझे याद है कि जब कोई बंदा एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर खेला करता था और परफॉर्म किया करता था, उसका नाम होता था. टेस्ट क्रिकेटर्स यूज टू रिस्पेक्ट दोज गाइज.
आप टेस्ट क्रिकेट खेले हो, मुझे याद है कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले थे और आपके साथ ही हम क्रिकेट खेला करते थे, बिल्कुल हम मुल्तान से खेला करते थे, आप लाहौर से खेला करते थे, याद है आपका एक टाइम पे लाहौर में एक नाम हुआ करता था कि देर इज आमिर सुहेल, ही विल रिप्रेजेंट पाकिस्तान। अपनी परफॉर्मेंसेस से आप अपनी एक रेपुटेशन डेवलप, रेपुटेशन, और नॉट फॉर वन ईयर, नॉट विल्स कप, कायदे आजम ट्रॉफी, डोमेस्टिक पैटर्न्स ट्रॉफी, मेरे अलावा बहुत थे। नहीं, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। आई ऑलवेज बिलीव कि आई वाज वेरी लकी टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। एब्सोल्यूट, लेकिन मेरे से बेहतर प्लेयर था। एब्सोल्यूटली, मैं कहने का मतलब वो तो एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं, आई डोंट वांट टू मेक यू एम्बैरस, बट क्या है कि वो एक नाम चलता था। अब जो स्ट्रक्चर की बात है ना, ऑर्गेनाइज की बात है, यहां पे हमें इसलिए नहीं पता चलता। नंबर एक, यहां पे हमारे कोचेज को, हमारे उस्ताद को, एलसीसीए को, मुल्तान वालों को पता होता था हमें कि ये हमारा कोच है, मैंने हट जाना है, इस कोच ने नहीं हटना। रिमेंबर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू आई एम गोइंग टू रेज हियर। एक कोच के बारे में जब आपको पता होगा कि इसको मैंने हैंडल करना है 5 साल, आइदर यू हैव टू गो अवे फ्रॉम हिम, अगर आप लाइकिंग और डिसलाइकिंग में आ जाते हो, और वरना यू हैव टू लिसन टू हिम। जब आप सुनने का हक अदा कर देते हो ना, 70% आप अच्छे क्रिकेटर बन जाते हो। 70% मुशी, उसमें एक कबाहत है ना। अब बड़ी एग्जांपल्स हैं मेरे, मैं खुद भी एकेडमी में काफी लड़कों के साथ काम कर रहा था जब मैं 2008 में डायरेक्टर था। उसमें यह था कि मैंने कैटेगोरिकली मना कर दिया था कि कोई इन दो कोचेस के अलावा कोई इनको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, क्योंकि ज्यादा इन्फॉर्मेशन से बंदा कंफ्यूज हो जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग था कि मैं एक दिन हॉकी का प्रोग्राम कर रहा था, ये कोचिंग एस्पेक्ट के ऊपर बात हो रही थी। अब वो इस वक्त ये कह रहे थे कि कोचिंग जो है वो एक अपकमिंग फिनोमेना पाकिस्तान में, इतना ज्यादा आम नहीं हुआ। होता ये कि एक प्लेयर को एक कोच बताता है कोच, दूसरा उसको कहता है उन्हें छड़ ए वाला कर, वो खत्म होता है, तीसरा कुछ और कहता है, जिससे इवेंचुअली प्लेयर जो है वो रिस्पेक्ट खो जाता है कोचिज की, कि यार इनको तो ये एक कुछ कह रहा है मुझे, एक कुछ कह रहा है, एक कुछ कह, इवेंचुअली वो कहता है यार इनकी इधर से सुननी है और इधर से निकाल देनी। फॉर अ कोच, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो अपनी रिस्पेक्ट खुद करवाए? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैन मैनेजमेंट। किस तरह? ये मैन मैनेजमेंट स्किल होने चाहिए कि कब प्लेयर को कब बताना है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है ना, जो कोचिंग में मुझे जो चीज नजर आती है कि एक बंदा है, अब ये फॉर एग्जांपल मुझे पता होता है कि पीटरसन से मैं काम करता हूं, आपको पता है मेरे पर्सनल रिलेशनशिप से, केपी को मुझे पता होता है कि मैंने इसको किस वक्त बताना है कि यू प्लेड अ बैड शॉट, यू प्लेड अ गुड शॉट, नाउ वी गोना वर्क ऑन दिस इश्यू। इंपॉर्टेंट है कि राइट टाइम पे यू हैव टू हिट द ट्रिगर ऑन द राइट टाइम। अब राइट टाइम क्या है कि आपने गंदी शॉट मार के आए ड्रेसिंग रूम में, आके मैं आके जूती उतार लूं तो क्लैशेज शुरू हो जाएंगे, ईगो आ जाएगी, यू नो लाइक आप कहोगे कि यू नो लाइक यू आर ह्यूमन, यू हैव ईगो। तो एट टाइम्स प्लेयर को खुद भी पता है कि मैं गंदी शॉट मार के आया हूं और मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई हैव रियलाइज। हाँ, उसको आपको बताने की जरूरत है जो रियलाइज नहीं करता, बिल्कुल। और मेरे ख्याल 90% क्रिकेटर्स को पता होता है कि मैं गंदी शॉट मार के आया हूं। यहां पे क्या होता है कि बिकॉज कोचेज का जो अपनी जॉब का स्टेक होता है, देखिए याद रखें ये नेचुरल इंसानी फितरत है, जब मुझे अपनी जॉब की फिक्र होगी ना तो मैं ब्लंडर मारूंगा, फिर मैं फ्रस्ट्रेटेड होकर ऐसी ऐसी बातें करूंगा कि मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरी एनवायरमेंट की इस वक्त क्या जरूरत है। कोच का जो आपने बताया ना, कोच की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे नजर में है वो रिलेशनशिप है। अच्छी रिलेशनशिप होने चाहिए प्लेयर्स के साथ कि आपका जो आपके साथ काम कर रहा है प्लेयर वो ही आपके साथ आके अपनी डोमेस्टिक लाइफ को भी डिस्कस करने लग गए तो यू आर बी गोइंग टू बी अ विनर। और दूसरी चीज यह है कि एक तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, दूसरा आपकी एबिलिटी के ऊपर यकीन भी होना चाहिए प्लेयर को, क्योंकि कोच उस वक्त इफेक्टिव होता जब प्लेयर खुद आके बात करे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खुद आके बात करेंगे मुझे ये प्रॉब्लम है, वो आपके साथ ऑनेस्ट होना शुरू हो जाए। एब्सोल्यूट, कोच का भी वही रोल है जो डॉक्टर और पेशेंट का, एब्सोल्यूट, वकील का या जो उसका क्लाइंट है, आपको ऑनेस्ट होना पड़ता है। आप कोई बात नहीं छुपाते, वही आप जो बात कर रहे हैं कि आप अपने फैमिली इश्यूज भी डिस्कस कर रहे हैं, दूसरी चीजें भी कर रहा है, क्रिकेटिंग एस्पेक्ट भी कर रहा है, तो इसका मतलब है ही इज लिसनिंग टू यू, नाउ ही हैज कन्फाइडेड इन यू। अब इंपॉर्टेंट चीजें मैं पूछना चाह रहा हूं, आपके ख्याल में आप पाकिस्तान क्रिकेट के साथ भी इन्वॉल्व रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट क्या चेंजेस डिमांड कर रही है, कहां पे हमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, कौन कौन से हमें फैसले करने की जरूरत है जिसके साथ हमारी क्रिकेट जो है वो आगे चले और कंपेटिटिवनेस आए? क्योंकि वो चीज पाकिस्तान में बड़ा आसानी से लोग कह देते हैं कि टीमें बहुत ज्यादा हैं,
कॉम्पिटिशन नहीं है। कॉम्पिटिशन चाहे टीमें आप 50 कर लें, कॉम्पिटिशन तब बढ़ेगा जब लेवल ऑफ प्ले जो है वो इम्प्रूव होगा। चाहे आप 50 प्लेयरों के साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे आप 250 के साथ खेलें, अगर लेवल ऑफ प्ले वो वाला नहीं है तो कंपटीशन नहीं आ सकता। कंपटीशन किस तरह बढ़ेगा आपने हमें ये बताना है, क्योंकि लोग अक्सर इस बात को मिसकंस्ट्रू कर देते हैं। इंग्लैंड में भी तो 18 काउंटीज हैं और पूरे इंग्लैंड की मेरा ख्याल है आबादी कराची जितनी नहीं होगी, उसके आसपास ही होगी। एब्सोल्युटली। अब अगर वो इस आबादी में 18 काउंटी की टीमें रख रहे हैं तो फिर कराची की भी 18 टीमें होनी चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, आप अब लेवल ऑफ प्ले आप किस तरह जो है वो रेस करेंगे पाकिस्तान में, क्रिकेटर्स को आप वेल राउंडेड किस तरह बनाएंगे, एकेडमीज भी हैं, हर चीज इन प्लेस है, क्या करने की जरूरत है? आई थिंक ये मेरा पर्सनल ख्याल है कि बेसिक्स पे आ जाना चाहिए। ओके, सबसे पहले बेसिक्स पे आना चाहिए। हम क्या करते हैं कि किसी भी प्लान को उसको टाइम नहीं देते, कोई भी प्लान। मैं कहता हूं कि जी वो लोग ऐसे लोग होने चाहिए, द पीपल हु इज नॉट हेजिटेट टू मेक अ मिस्टेक। गलती इंसान से हो सकती है, मगर अगर आप यू पीपल आर सिटिंग ऑन अ फेंस टू नॉट टू मेकिंग एनी जंप। आप देखें जो तीन जॉब्स हैं मेरे लिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है एकेडमी डायरेक्टर इज दी मोस्ट वाइटल इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर डोमेस्टिक क्रिकेट एंड ग्रास रूट क्रिकेट। ओके, ऐसा बंदा आना चाहिए जिसको क्रिकेट का पता हो। ओके, ऐसा बंदा आना चाहिए जिसका विजन तगड़ा हो। ओके, साल का ना हो, 5 साल बाद देखे कि वो मैं इस स्ट्रक्चर को कहां पे ले जाऊं। यहां 5 साल में इतने चेयरमैन चेंज हो जाते हैं, यही तो असल बात यहां पे आती है। और ये देखे ना, आपने खुद ही ईमानदारी की बात को खत्म ही कर दिया। कहां से आएगा सिस्टम? आप मुझे 5 साल दो, 5 साल बाद मेरा स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर के बाद आप देखो रिजल्ट। अब क्या होता है कि जैसे मैंने कहा, एकेडमी डायरेक्टर इज द की। सेकेंडली, कोई भी जो चेयरमैन के साथ आप जो भी कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव है, सीईओ है, जो भी है, अगर आपका वो बंदा तगड़ा है, नेक्स्ट टू द चेयरमैन, नेक्स्ट टू द राइट हैंड फॉर द चेयरमैन हैज टू बी अ वेरी वेरी गुड क्रिकेटर हु हैज द नॉलेज ऑफ द गेम। उसमें क्या होगा कि एक आपको चीफ सेलेक्टर, एकेडमी डायरेक्टर, और एक जो आपका हाईएस्ट लेवल मैनेजिंग डायरेक्टर पे ग्रैंडिंग बोर्ड में आप एक दो क्रिकेटर्स रखें, एक 4-5 बंदों अच्छे बंदे रख लें और उनको 5 साल दे दें, 3 साल दे दें। आई टेक माय वर्ड्स बैक, 3 साल दे दें, 3 साल के बाद ट्रस्ट देम और उनकी पॉलिसीज को बैक करें। आप उनकी पॉलिसीज को बैक करते हैं, फिर उसके बाद रिजल्ट देखेंगे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है चेंजेस कहां पे चाहिए। सिर्फ क्या है, इंप्लीमेंट करने के लिए पावर चाहिए आपको। मैं आपको पावर देता हूं 3 साल के लिए। आप किसी भी बंदा वर्थड होना चाहिए जिसकी विजन हो, ये नहीं हो कि छोटे छोटे गोल्स के लिए ना आप बड़े ब्लंडर मारना शुरू कर दो। एक ऐसा होना चाहिए कि जी एक स्ट्रक्चर बना के उनको, जी 3 साल के बाद मुझसे बात करना, 3 साल पहले मुझसे बात ना करना। आप फिर आप देखिएगा कि आपने भी एकेडमी रन की हुई है, यू नो दैट इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा इस वक्त पैसा वो खर्च कर रहे हैं अपनी एकेडमीज में और अपने ग्रास रूट में। क्यों कर रहे हैं? आप देखें फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को उन्होंने कितना पैसा बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? कि अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स एक हामसन अगर इंग्लैंड की टीम से नहीं खेलता तो कहता आई एम हैप्पी, व्हाई? बिकॉज आई एम गेटिंग 200,000 पाउंड फॉर माई कंट्री एंड आई विल परफॉर्म देयर वेरी गुड। अब हामसन का स्पेल जब अजहर अली जाके खेलेगा डोमेस्टिक क्रिकेट में, जब इरफान का स्पेल जाके खेलेगा, इरफान को पता है कि मैं हबीब बैंक से या किसी एसोसिएशन से खेलूंगा और मुझे मेरी 2 लाख रुपए तनख्वाह है या मुझे साल का 50 लाख रुपए मिलता है, तो मैं देखता हूं किस तरह क्रिकेटर मेहनत नहीं करते, मैं देखता हूं किस तरह वो जाके रनिंग और जिम में नहीं जाते, मैं देखता हूं कैसे फिजिकल फिट नहीं रहते, तो फिर क्या होगा, क्वालिटी नजर आएगी। डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या है, 500-500, आप इंटरनेशनल क्रिकेट में है 4,000, मैच ही नहीं करती, आपका मैच ही नहीं कर रहा चीजें। हर दुनिया का क्रिकेटर, इवन जिम्बाब्वेन क्रिकेटर्स जो हैं, जिम्बाब्वे के क्रिकेटर, बांग्लादेश के क्रिकेटर, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो हैं, वो हमसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि यहां पे फिर बंदे क्या करते हैं, 5 मैच खेलने के बाद कहते हैं आमिर भाई को इंग्लैंड में हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, क्लब क्रिकेट का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, आई वॉन्ट टू अर्न ब्रेड एंड बटर फॉर माई फैमिली, मेरा 1-2 लाख रुपए में सीजन में मैं नहीं गुजारा कर सकता। तो क्या है कि सिस्टम में पैसा लाना पड़ेगा नीचे। आप इंटरनेशनल क्रिकेट को पैसा दें तो ये सारा स्ट्रक्चर कौन करेगा डिवेलप? एकेडमी डायरेक्टर। एकेडमी डायरेक्टर का विजन होगा कि मैं अगर पैसा फेंकूंगा डोमेस्टिक क्रिकेट में, पैसा अच्छा लाऊंगा, स्पॉन्सर अच्छे लाऊंगा, उसमें क्या होगा, एक प्लेयर को पता है अगर मैं पाकिस्तान नहीं भी खेलता, अगर मैं नहीं भी खेल सकता तो द एंड ऑफ द डे आई कैन मेक अ गुड कैरियर ऑफ माई फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड यू विल गेट द क्वालिटी। आप ये वाली बात करते हैं 2003 में,
आपका जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर था उसको 25,000 रुपया प्लस डेली अलाउंस मिलना शुरू हो गया था ठीक है। जब आपके पास सिर्फ 48 करोड़ रुपया था बोर्ड की किटिंग में, फिर आपके पास 7-7, 8-8 अरब रुपया भी आया, और जो प्रोजेक्शन थी कि 2011 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुड बी एबल टू गिव अबाउट 50 लाख रुपीज टू 200 क्रिकेटर्स, जो बिजनेस प्लान था, लेकिन इधर उधर चला गया। बेसिकली लीडरशिप चाहिए आपको इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अच्छा, ये तो सारी बातें हो गई, या मुझे ये बताएं एशिया कप कल से स्टार्ट हो रहा है। आई थिंक बांग्लादेश में पाकिस्तान फेवरेट है। ओके, पाकिस्तान इज अ फेवरेट। पाकिस्तान को प्लान करना पड़ेगा, मेरा अपना जाती ख्याल है, पाकिस्तान को विराट कोहली को और उनका जो मेन प्लेयर रोहित शर्मा इस वक्त, उनको टारगेट करना पड़ेगा। इंडिया की बॉलिंग बहुत वीक है, इंडिया की जो बॉलिंग है ना बहुत वीक है। मिसबा को चाहिए, मेरा अपना जाती ख्याल है, कि उन कंडीशन में जैसी मर्जी अगर थोड़ी सी मॉइस्चर भी है विकेट पे तो बैटिंग पहले कर लेनी चाहिए। अगर पाकिस्तान 200 प्लस करता है, पाकिस्तान अगर इंडिया के खिलाफ बैटिंग सेकंड करे और बॉलिंग पहले करे, और श्रीलंका के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ बॉलिंग सेकंड करे, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्लान करके जाना। क्योंकि अगर आप विराट कोहली को टारगेट करते हो ना, वहां पे धोनी नहीं है इस वक्त। धोनी एक स्ट्रांग लीडर है। विराट कोहली का टेम्परामेंट आपने देखा है, वो बड़ा जल्दी गिव अप कर देता है, और जब कप्तान आपका, आप उसको टारगेट करके उसको मेरे ख्याल में अब्यूज भी करना चाहिए, उसको वर्बली थोड़ा सा तंग करना चाहिए, उसको इरिटेट करना चाहिए। जब वो इरिटेट होएगा तो ही बिकम मोर एग्रेसिव। छोटा है अभी और एग्रेसिव होकर वो गलतियां जरूर करेगा। यहां पर मिसबा और पाकिस्तान के प्लेयर्स उससे गेम खेल सकते हैं। ये साइकोलॉजिकल मैं गेम बता रहा हूं। ओवरऑल पाकिस्तान को, आपको पता है, एक लड़के को 50 ओवर खेलने पड़ेंगे, दो लड़कों को, पहले 6 नंबर में से दो लड़के अगर हमारे 50 ओवर खेल जाते हैं उसमें फिर हमारा पाकिस्तान में 250 प्लस के चांसेस हैं। ये इनको पॉलिसीज के साथ जाना पड़ेगा कि अहमद शहजाद में से या कोई भी लड़का अगर 30-40 करता है तो दे मेक श्योर दे शुड हैव कम्युनिकेशन आउटसाइड एंड इनसाइड, कि कीप इट अप, कीप गोइंग। अगर वो 50 ओवर खेल जाता है तो मेरा ख्याल पाकिस्तान के पास बहुत टाइम है जीतने की। पाकिस्तान की बॉलिंग काफी ज्यादा रेट होती है, मोहम्मद इरफान का ना होना इस इन विकेटों के ऊपर सेटबैक तो है पाकिस्तान 100% सेटबैक तो है, बहुत बड़ा नुकसान है। आप क्या समझते हैं कि वो इरफान वाला रोल जो है मोहम्मद तल्ला को देना चाहिए या यू शुड गो विद उमर गुल, जुनेद? आई पर्सनली थिंक जुनेद तो अच्छा जा रहा है। जुनेद विल बी, थोड़ा सा मुझे गुली की फिटनेस का कोई पता नहीं, यू आई एम नॉट श्योर। अगर गुल फिट है तो एक्सपीरियंस, यू कैन नॉट बाय एक्सपीरियंस। पेस कितनी है गुल की, तला की पेस क्या है, ये तो उस वक्त टूरिंग पार्टी ही बता सकती है कि अगर तला तड़गी बहुत, मुझे तो लगता है जो भट्टी को मैंने देखा है यूएई में, पेस डाल देनी चाहिए। एशियन क्रिकेटर के सामने एक तेज तिखा ऐसा होना चाहिए कि जो दो तीन उसके हेलमेट के ऊपर, जो आप बात कर रहे हैं विराट कोहली वाली, कि थोड़ा सा वर्बल भी होना पड़ेगा, उसके खिलाफ अग्रेसिव भी होना पड़ेगा, तो अग्रेशन के लिए आपके पास पेस भी चाहिए, और आपके पास गाइल भी होनी चाहिए जब आप स्पिनर्स की बात करते हैं। सही, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था कि डू यू थिंक, आई थिंक मेरे पर्सनल ख्याल में आई एम नॉट श्योर कि गुल की कितनी पेस है इस वक्त। अगर तो भट्टी तगड़ी बॉलिंग कर रहे तो भट्टी को डाल देना चाहिए, एंड ही कैन बैट ऑल्सो। ओके, और मेरा अपना पर्सनल ख्याल ये है कि पाकिस्तान की जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, जो रिसेंटली 2-3 साल से जो वन डेज क्रिकेट पाकिस्तान जीत रहा है या टेस्ट मैचों में अच्छा कर रहा है, स्पिनर्स बहुत वाइटल रोल अदा कर रहे हैं, अफरीदी, हफीज एंड सईद अजमल, थ्री ऑफ देम, दे बीन एक्चुअली बीन वेरी सक्सेसफुल पाकिस्तान। आपने इनका कॉम्बिनेशन देखा होगा, सईद अजमल ऑफ द बॉयल है काफी अरसे से, आप उनको क्या एडवाइस करेंगे कि दोबारा से वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव और विकेट टेकिंग बॉलर बन जाए? क्योंकि अभी आपने ये देखा कि अनलेस और अंटिल विकेट बहुत ज्यादा मिसबिहेव कर रही है तो विकेटें हासिल करते हैं। अगर थोड़ी सी अच्छी कंडीशंस हैं, सपोर्टिंग कंडीशन है, तो जहां पे बैट्समैन गलती करे तो सईद अजमल को विकेट मिल रही है, अदरवाइज ही स्ट्रगलिंग, तो क्या करना चाहिए उनको? आई थिंक आपने देखा होगा कि रिसेंटली श्रीलंकन ने सकलैन को भी एक्सपोज किया था, बिल्कुल, रविंदर डिसिल्वा ने किया था शार्दुल, बिल्कुल। अब ये इनको पता चल गया, जयवर्धना वगैरह बड़े सियाने प्लेयर हैं, बड़े समझदार हैं, श्रूड हैं। मैंने आईपीएल में उनके साथ एक मैच सीजन खेला, ऑफ साइड पे खेलते हैं, उनको पता है ही इज नॉट अ बिग स्पिनर ऑफ द बॉल। अगर एज यू सेड टर्न नहीं हो रहा होगा तो वो अंदर आती हुई गेंद को भी इधर ही खेलते हैं, ऑफ साइड पे खेलते। सईद अजमल को अपनी फील्ड चेंज करनी पड़ेगी,
एग्रेसिव बॉलिंग करनी पड़ेगी मेरे ख्याल में। अगर मैं उसको थोड़ी सी राय दूं तो अटैकिंग ऑप्शन पे जाना चाहिए। सईद अजमल को ऐसा कहना चाहिए जैसे हम वकार पे चांस लिया करते थे कि यू गो 5 एंड ओवर, वी डोंट माइंड, गेट अस अ विकेट। अब सईद अजमल क्या कर रहा है कि जैसे उसको विकेट नहीं मिलती तो वो डिफेंसिव हो जाता है। बैट पैड रखो, सिली पॉइंट रखो, स्लिप रखो और छोड़ो जरा एक्स्ट्रा कवर, उनको को खेलो। और ये जो रूल चेंज हुआ है उससे भी काफी ज्यादा फर्क पड़ा है मुझे लगता है सईद अजमल के ऊपर, क्योंकि अब 5 दायरे में रखने पड़ रहे हैं। अच्छा नहीं, उससे एक फील्डर जो है वो अब आपको दायरे में रखना पड़ रहा है बाउंड्री राइडर। नहीं मगर उसके लिए तो सईद अजमल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें आप वही है ना कि आप वाली बात, बजाय सिंगल रोकने के आउट करने का, आउट करने का सोचो। बिल्कुल, उसमें क्या है कि मिड ऑन ऊपर आ गया, आप सईद अजमल का 80% उसको दूसरा नहीं याद करते, ठीक है, उसको रीड नहीं करते। अब मुझे इधर मिड ऑन पे मारते हुए सईद अजमल को चांस तो लेना पड़ेगा। बिल्कुल लेना पड़ेगा। इफ आई हिट 4 and same time I can get out also. Attacking bowling करवानी है with close in fielder और उनको सोचना चाहिए विकेट लेने, रन नहीं रोकना। अगर आप देखें, आप अगर प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं और मैं आपको आते ही बैट पर ले लूं, डोंट यू थिंक सो योर ईगो विल से यू नो लाइक होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुशी, थैंक यू वेरी मच, प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो, और इंशाल्लाह ताला गाय बगाय आपको तंग करते रहेंगे। नहीं नहीं, मेरा ऑनर है आपके शो पे। थैंक यू वेरी मच मुशी। बकौल मुश्ताक अहमद के पाकिस्तान की टीम जो है कल जो एशिया कप स्टार्ट हो रहा है उसमें फेवरेट है, और आपको ये बताते चले कि कल मैच से पहले हम लोग अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन शुरू करेंगे एशिया कप की, वहां पे हम हर मैच को थॉरली डिस्कस किया करेंगे, वहां पे मुख्तलिफ चीजें जो हैं, जो पर्सपेक्टिव है उसको आपके सामने लेके आएंगे, और अगले दिन फिर जो हार जीत के फैसले होंगे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और नए मैच के बारे में। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।